आज हम ऐसी बीएलडीसी मोटर के बारे में जानेंगे जिनका कंट्रोलर इनके अंदर होता है। ये जो बीएलडीसी मोटर है इसी के अंदर इसका कंट्रोलर है, और इसके कितने पिनआउट्स होते हैं, कितनी पिने होती हैं, कितने कितने प्रकार की होती हैं, सब पर क्या फंक्शन होता है वो आज हम जानेंगे। देखो, पिन इसमें कई सारी आती हैं, कुछ 3 पिन के भी होंगे, कुछ 4 पिन की होंगी और कुछ 5 पिन की होंगी। 3 पिन की जो होंगी उसमें एक तो VCC होगा और ग्राउंड होगा। ये दोनों देखो, VCC और ग्राउंड, ये तो दोनों में होने ही होने हैं, सब में होने हैं। ये तो तीसरा जो पिन होता है वो होता है PWM का, यानी कि हमको उसकी स्पीड जो है वो कैसे करनी है, स्पीड हमको कितनी एडजस्ट करनी है, वो एक PWM का पिन हमारे में, तीसरा जो पिन होता है वो PWM का होता है, यानी कि हम उसको कितने तेज से हमें घुमाना है वो हम यहाँ पर PWM वेरी करेंगे, 1 kHz या 10 kHz पर आराम से। ये कंट्रोल डिपेंड करता है, नॉर्मली 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा कंट्रोलर का PWM फ्रिक्वेंसी नहीं जाती है। 4 पिन का अगर हमारा कोई BLDC मोटर है, यानी कि मोटर का मतलब यह है कि मोटर भी है और इसी के अंदर इसका ड्राइवर भी है, हमें ड्राइवर बाहर से नहीं लगा रहे, हम बाहर से सिर्फ सिग्नल दे रहे हैं और पावर दे रहे हैं। अगर 4th पिन का भी है तो हम 4th पिन में क्या करते हैं, 4th पिन में हमको ये मिल जाता वापस FG, यानी कि फ्रिक्वेंसी जनरेशन कह दो इसको, या फिर फैन गुड सिग्नल कह दो, फ्रिक्वेंसी जनरेशन नाम इसका सही है। क्योंकि ये क्या करता है, ये हमने मान लो हमने यहाँ से RPM, यहाँ से हमने PWM सिग्नल दिया एक पर्टिकुलर RPM सेट करने के लिए, तो ये जो है ये आउटपुट हमको वापस माइक्रो कंट्रोलर को या हमारा जो भी कंट्रोलर है उसको भेजेगा कि जितना RPM, मतलब अभी उसकी करंट RPM क्या है, ये मतलब इससे हमको जो है डिजिटल पल्सेस मिलेंगी हमें इसके, और वो हर पल्स जो है इनके RPM को डिनोट करेगी, यानी कि RPM ज़्यादा होगी तो पल्स ज़्यादा मिलेगी, RPM कम होगी तो हमें पल्स कम मिलेगी। ये हमारे 4th पिन का काम होता है। अगर 5वां पिन भी अगर है, कोई ऐसी मोटर है जिसमें 5वां पिन भी है, तो उसमें होता है कि हमारे डायरेक्शन को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करनी है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करनी है। तो समझिए आप, बेसिक जो 2 तार हैं वो तो पक्के हैं, VCC का और ग्राउंड का, ये ब्लैक हो गया। अगर हमें तीसरा तार है तो वो है PWM सिग्नल का, यानी कि हम उसकी जो RPM है, रोटेशन है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 4th पिन से हम क्या है उसके RPM को वापस, हम कितना उसके RPM अभी करंटली है वो हमें मिल जाएगा। 5वां पिन ये है कि हमारा उसको किस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे बताना। धन्यवाद।